जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा जो है इस सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक है जी, वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सैलिनिटी को कैसे कंट्रोल करना है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। उससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाटर लॉगिंग क्या होती है, उसकी कॉजेज बताई थी, प्लांट्स में मैंने उसका इफेक्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने जो है कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं वाटर लॉगिंग को, सैलिनिटी को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो वो हमने डिस्कस करना है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है सेमेस्टर का, उसके बाद आपके इंशाल्लाह एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम प्रीवियस जाते हैं कि वाटर लॉगिंग होता क्या है। बेटे, वाटर लॉगिंग क्या है कि कुदरती तौर पर जो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आ जाना, ठीक है, जब हम बहुत सारा पानी देते हैं प्लांट्स को तो कुछ तो पानी प्लांट अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जाहिर सी बात है वो फ्लड के केस में आ जाता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। इसके नतीजे में जो है वो क्या होती है, एयर जो है सॉइल में वो बहुत अच्छी तरीके के साथ नहीं जा सकती, ठीक है। सॉइल में चेंजेस आ जाती हैं, सॉइल में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है इम्पीड हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये वाटर लॉगिंग होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा कि एक्चुअल जो वाटर डेप्थ, वाटर टेबल की जो गहराई है, डेप्थ है, ठीक है, कब है कि जब ये स्टार्ट अफेक्टिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप एडवर्सली। जब भी हमारे पास जो है एक्चुअल डेप्थ हमें कहाँ मिलती है, जब क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, और ये इसकी रेंज वेरी करती है डेप्थ की, किसी में जीरो भी हो सकती है राइस के लिए गहराई, किसी में 1.5 भी हो सकती है, ठीक है। बाकी टाइप ऑफ क्रॉप ये देख लें बेटे कि वीट है तो ये कितना इसका वाटर में डेप्थ होती है जी, ये 0.9 to 1.2। कॉटन की देख लें तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो डेप्थ्स के हवाले से जो है वो बताया हुआ है कि कितना वाटर जो है इन डिफरेंट क्रॉप्स की डेप्थ में डिफरेंट तरीके से जाता है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे पानी आता रहे वैसे वैसे ड्रेन होता रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, परकोलेशन को हमने रिड्यूस करना है। परकोलेशन क्या होती है कि आराम आराम से जो है लिक्विड का हमारे पास कैनाल में जो फिल्टर मीडियम है वहां से निकलना, ठीक है। परकुलेशन अगर जल्दी 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 होगी तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट वाटर से चलती जाएंगी, तो परकुलेशन का अमल को स्लो करना। फिर अनवांटेड इरिगेशन के अभी आपाशी की जरूरत नहीं थी, पानी देने की जरूरत नहीं थी और आपने पानी दे दिया, तो इसको भी अवॉइड करना है। इसके अलावा स्प्रिंकल मेथड जो है, मतलब स्प्रिंकल मेथड क्या होता है बेटे कि स्प्रिंकल करना, छिड़ाव करना, तो छिड़ाव वाला मेथड जो है इस्तेमाल करना है हमें इरिगेशन के लिए। इसके अलावा रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन नेचुरल ड्रेनेज, अगर कोई कुदरती तौर पर पानी जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई है तो उसको भी रिमूव करना। तो ये बहुत आसान से मेथड है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। परकुलेशन जो है बेटा उसको हमने जो है रिड्यूस करना है। अच्छा, इसके अलावा परकुलेशन को हमने पानी के जहां ढेर सारा पानी है वहां से और फील्ड में से परकुलेशन को कम करना है। इसके अलावा वाटर फ्लो, बाहर निकलने वाले पानी के अमल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर हो सके। इसके अलावा लाइनिंग, कैनाल्स की लाइनिंग बढ़ानी है। इसके अलावा जो है वो फुल सप्लाई देना है वाटर का। तो ये कुछ हमारे पास प्रिवेंशन है कि वाटर लॉगिंग के, ये हम कुछ करेंगे तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। अब सैलिनिटी के हवाले से देख लेते हैं बेटे, अगर बहुत सारी सॉल्ट जो है वो रूट्स में चली जाती हैं प्लांट के, तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है, जिसको हम सैलिनिटी, वही बात है ना कि सॉइल में सॉल्ट का चले जाना, ठीक है। तो ये सैलिनिटी कहलाता है, जितना ज़्यादा सॉल्ट प्लांट के रूट में जाएगा उतना ही ज़्यादा प्लांट डिस्ट्रॉय होगा। तो कॉजेज इसकी हमने पहले भी डिस्कस की थी, अब भी देखें वही कॉजेज हैं जो कि वाटर लॉगिंग की है, ठीक है। एग्रीकल्चर सॉइल में बहुत सारे मिनरल सॉल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट वगैरह का होना, तो ये कॉजेज मैंने पहले डिस्कस की भी थी आप लोगों के साथ। तो बेटे, हमने सैलिनिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इरिगेशन को कंट्रोल कर सके, सरफेस ड्रेनेज बहुत अच्छी करें, इसके अलावा हम बहुत थोड़ी इरिगेशन करें एक लेवल पर, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन का अमल ना हो, और हमने अल्कलाइन वाटर जो है सॉल्ट वाला पानी को इस्तेमाल नहीं करना पौधों को पानी देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे तो सैलिनिटी का अमल जो है वो कंट्रोल में आ सकता है।
इसके अलावा जी बेटे हमारे पास ये देखें कि सॉइल्ड अफेक्टेड जो सॉइल्स होते हैं उनमें सॉइल, जाहिर सी बात है मिट्टी में सॉइल ज़्यादा है तो उसमें पानी का ड्रेनेज कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा जो है इरोजन आ जाती है। तो ये हमें सारी चीज़ें इसी तरह अवॉइड कर सकते हैं कि हम प्रॉपर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। ठीक है, ये फॉलोइंग टेक्निक्स हैं जो कि रिक्लेम, बहुत ज़्यादा स्लाइन सॉल्ट आ गया तो उसको कम कर सकती हैं। सॉल्ट जो है रूट जोन में से निकल सकता है अगर वो इरीगेशन जो है बहुत प्रॉपर हो या हैवी रेन हो। इसके अलावा हमने अच्छी सर्विस या इंटरनल ड्रेनेज का अमल करना है। इसके अलावा जो है बेटे हमने कम्पैक्टेड लेयर्स जो हैं उनको ब्रेक कर देना, जो कि सॉइल के लिए लेयर्स होती हैं उनको हमने रखना नहीं है। अच्छा, 10 to 15 टन एकर जो है कि हमने डालना है जी मैन्योर का। ठीक है, और इससे भी सॉइल इम्प्रूव हो जाए।